परिचय दे दीजिए अपना। अजीत सिंह, महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी रायबरेली, प्रभारी विधानसभा बछरावा। अजीत जी, आप पहले भी कांग्रेस में काफ़ी समय से जुड़े रहे और ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे जी, और अच्छा कार्य भी किया। अमावा जो कि कहते हैं कि लालूपुर इलाका जो पूर्व विधायक थे यहाँ के रहे अखिलेश सिंह, काफ़ी संघर्षशील इलाका माना जाता है जी जी, वहाँ ब्लॉक रहे, कैसे आपने कांग्रेस को क्या देख रहे हैं आज के समय में? हम आज के समय में क्या, पूर्व के समय में भी कांग्रेस को रायबली में हमेशा मजबूत देखे हैं। 2004 से लेके 2019 तक के चुनाव में कांग्रेस को अमावा व रायबरेली में बहुमत मिला है और मैडम सोनिया गांधी जी भारी मतों से विजयी हुई हैं। यहाँ कांग्रेस हमेशा आगे रही है और आगे भविष्य में भी रहेगी। युवाओं के आप एक अच्छे नेता माने जाते थे अपने क्षेत्र और ब्लॉक में, और पूरे ज़िले में भी देखे जाते हैं कई युवा आपके ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं और काफ़ी संघर्ष से आपने काम किया है कांग्रेस में। आने वाले समय में युवाओं का और महिलाओं का क्या योगदान देख रहे हैं कांग्रेस? माधव भाई, अब आप लोगों का स्नेह है और जो लोग हमको संघर्षशील अच्छा मानते हैं वो हमारे लिए उनका प्यार है और उनको मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि हमारे लिए उनकी अच्छी विचारधारा है। राजनीति में युवाओं को कांग्रेस में हमेशा बढ़ चढ़ के भागीदारी रही है और जब से हमारी नेता अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में प्रभारी के रूप में काम शुरू किया है तो महिलाओं को 40% राजनीति में भागीदारी की तो उन्होंने घोषणा ही कर दी है। उसके बाद युवाओं के लिए उन्होंने भी नई नई योजनाओं सोच रखी है। 2 लाख नौकरियों के बाद प्रियंका गांधी जी ने अपनी प्रतिज्ञा जो ली है उस घोषणा पत्र में उनका है, इसलिए युवाओं के लिए भी एक कहीं ना कहीं अच्छा समायोजन कांग्रेस पार्टी में किया जाएगा। जब भी भविष्य में हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री के तौर पर बैठेगी तो युवाओं के लिए एक अच्छी भागीदारी और उनकी भविष्य उज्जवल की कामना होगा। जो अभी चर्चा चल रही है पूरे ज़िले में कि हमारे जो युवा हैं वो कांग्रेस से काफ़ी तेज़ी से जुड़ रहे हैं जी ज़िले में जी, कहाँ तक ये सही है माना? नहीं, ये सही है। जब से प्रियंका जी ने हमने आपसे बताया माधव भाई, जब से प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश में अपना कार्यक्रम सुचारू रूप से संघर्ष करते हुए लोगों ने देखा, चाहे लखीमपुरी खीरी की घटना रही हो, चाहे हाथरस की रही हो, चाहे आपकी ललितपुर की रही हो, चाहे आगरा की रही हो, प्रियंका जी के संघर्ष को युवाओं ने देखा तो सोचा कि आम जनमानस की लड़ाई अब केवल उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ही लड़ सकती हैं और लड़ रही हैं, इसलिए युवाओं का भी मन कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ा है। कब तक बुलाएंगे आप अपने प्रियंका गांधी जी को रायबरेली के, जिससे सभी युवा और यहाँ की जनता मिल सके? वो तो आती रहती हैं, अभी बहुत जल्द आई थी, इधर भी उनका कार्यक्रम दीपावली के पहले बना था लेकिन किन्हीं कारण से नहीं आ पाई, क्योंकि कोई घटना वहाँ ललितपुर में किसान की घट गई थी, तो खाद की लाइन में लगा था किसान, खत्म हो गया था, उसके घर जाना पड़ गया उनको, इसलिए नहीं, रायबरेली का कार्यक्रम निश्चित था, सुनिश्चित था, आना था, लेकिन उस कारण नहीं आ पाई प्रियंका गांधी। आने की संभावना है आने वाले समय? बिल्कुल बिल्कुल संभावना है, आती रहते हैं, बातचीत करा करते हैं हम लोगों से, मैडम दिल्ली में हो या यहाँ रायबली हो, लेकिन सांसद जी की सोच रायबली के लोगों के लिए कुछ ना कुछ, देखिए अभी राशन किट नगर पंचायतों में भेजा है, बट रहा, ढलमो नगर पंचायत में बटा, कल बछरावा में बटा, महाराजगंज में बटेगा, लालगंज में बटेगा, रायबली सदर में बटेगा, तो मैडम रायबली के लोगों के लिए हमेशा किसी न किसी रूप में उपलब्ध रहती है।